नमस्कार, मी डी टी आंबेगावे, मुख्य संपादक सत्य पोलीस टाइम्स। सामान्य जनतेचा आवाज बुलंद करण्यासाठी सत्य पोलीस टाइम्स या चॅनलला आताच सबस्क्राइब करा। 8-9 लोग को लेके मैं मुंबई गई थी, फिर मैं वो दादर के हॉल में गई। हॉल में गई, जैसे एंट्री की मैंने, वहां पे वो सुनील डोंगरे के गुंडे कुछ थे, मेरे तरफ से अजीब अजीब तरफ से देख रहे थे। मैं भी बोली ये क्यों देख रहे करके, और वो अनजाने लोग थे, वो हमारे पार्टी के नहीं थे। मैं इतने साल हो गए मैं मीटिंग को जाती हूँ, मेरे को कभी नहीं दिखे वो, उन्होंने खुद से रखे हुए गुंडे थे। तो वो हम लोगों के पीछे पीछे, हम जहाँ बैठे थे उधर, फिर एक जन आया और ऐसे धक्का दिया। उस धक्का बुक्की में फिर मेरे को चिड़ आई कि एक महिला के साथ तुम लोग ऐसा रवैया कर रहे हो। डोंगरे को जब दिखा के मैं आई करके, तो मेरा नाम अनाउंस किया, और मेरे साथ जयशंकर भेटारकर जी थे उनका भी नाम अनाउंस किया स्वागत के लिए। फिर वो एक जन आके मेरे को धक्का दिया, इसके वजह से मेरे फिर मेरे को बहुत, मैं एंग्री हो गई और फिर मैंने उसको तमाचा मार दिया खासदार साहब को। मेरा इंटेंशन सिर्फ यही था कि मेरे पैसे कब दे रहे हो तुम लोग, इसके लिए मैं गई थी। मैं मेरे को बात करनी थी, वो हमसे टाला टाल कर रहे थे, हमसे बात नहीं करना चाहते थे, इसके वजह से वो हाथापाई में धक्का बुकी में हम वो चाटा लग गया। फिर उसके बाद सुनील डोंगरे ने इशारा किया और उससे गुंडे मेरे को मारने लगे। कुछ लोग गाली गलौज करने लगे, एक आदमी ने तो साली माजर चौधरी ऐसे मेरे को गाली दी। तो मेरे को गाली देने वाले ये होते कौन है, और ऐसे ऐसे सब में किसी महिला से बात करते हैं क्या? ये तो पार्टी का पूरा अपमान है, जहाँ पे ओबीसी समाज को आज तक मान सम्मान मिलता था। हाँ, इन लोगों ने मेरे हम लोगों पर एट्रासिटी लगाया, वो एक कुणबी समाज के और मैं तेली समाज की, और मैं 9 साल से बौद्धिस्ट, मतलब मेरे हस्बैंड बौद्धिस्ट समाज के है, 9 साल से मैं उनके साथ रही हूँ। कैसे मैं मेरे पे उन्होंने एट्रासिटी लगा दी? हाँ, वो भी 35 साल से काम कर रहे हैं। फिर ऐसा ही पार्टी में आने वाले ओबीसी लोगों के साथ एट्रासिटी का गुनाह, मतलब अपने घर में ऐसे इल्जाम लगाएंगे, केसेस होंगे, तो क्या कैसे होने वाला? ओबीसी कार्यकर्ता कैसे जुड़ेगा और ओबीसी के वोट कैसे मिलेंगे? मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे जो ओबीसी आता है उसमें जब ऐसे इल्जाम, तो वो डर जाएगा ना? नहीं भाई, ये इस पार्टी में ओबीसी का कोई स्थान नहीं है, यहाँ पे एससी लोगों का स्थान है, ऐसा करके सोचेंगे। फिर कैसे होगा, उनके गुंडों ने मुझे मारा, मेरे को तेज से गिराया और मेरे को गाली गलौज की, धक्का बुक्की की, और फिर मेरे को पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद वहाँ पे एक, हमने तो नॉर्मल एनसी, मतलब वहाँ पे ले जाने के लिए नॉर्मल एनसी लिखी थी, दाखिल की थी, पर उन लोगों ने, फिर हम वहाँ से निकले थे, हमें पुलिस का फोन आया कि आपके खिलाफ एट्रासिटी का गुनाह नोंदाया करके। तो इन लोगों ने हम पे वो इल्जाम, फिर उसके वजह से मैंने फिर यहाँ भंडारा में मैंने FIR की। नहीं तो मैंने पहले ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि हमको कोई पार्टी की बदनामी नहीं करनी थी, इस वजह से हमने वहाँ पे नॉर्मल एनसी की धक्का बुक्की में हो गया करके, हमने कुछ नहीं बताया था। मेरे साथ जो भी कंडीशन करी थी मैंने कुछ नहीं बताई थी। पर बहन जी, मेरे को आपसे एक ही फरमाइश है, एक ही मेरे को न्याय की अपेक्षा है कि आपकी मतलब बहुजन समाज पार्टी में महिला की इज्जत होती है, उसको एक मान सम्मान मिलता है, क्योंकि ये हमारे बहन जी की पार्टी है। यहाँ पे जरा ऐसे ही है, दलाल लोग ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? यहाँ पे लोकसभा की पूरे सीटें बेची गई, जो अच्छा कार्य कर रहा था उसको नहीं दिया टिकट, और बाहर के लोगों को दे दिया, वो 3 महीने भी नहीं रह के दूसरे पक्ष में गया। तो क्या है ये, हमारे बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाना है या घटाना है? ये ऐसे प्रकरण करके तो हम लोग अपना ढिंढोड़ा दिखा रहे है। हम कुछ कर ऐसे करने वाले नहीं थे, पर डोंगरे साहब ने हमको मजबूर कर दिया उनके बोली बात से। उनके वजह से मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में गई थी। उन्होंने जो मेरे से डिमांड की, पैसा मांगा, और मैं एक औरत होके मेरे को इतना मतलब बुरा भला कहा उन्होंने कि तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे चाहिए, हम दोनों को खुश करो करके। ऐसे वजह से ये क्या बोलना उचित है क्या उनका? तो मेरे को एक ही निवेदन है बहन जी कि मेरे को न्याय मिला के दो। मैं बहुत बहुत टेंशन में हूँ, और मैं इस वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशन में गई। मेरा बच्चा है, उसे छोड़ के मैंने पार्टी का काम किया, मैं इधर उधर जाती थी बेचारे। तो किसके लिए, विचारधारा के लिए या पक्ष के लिए? पक्ष आगे बढ़ना चाहिए, पर यहाँ पे क्या मिला मेरे को? मेरे को अपमान और मेरी इज्जत उन्होंने ऐसी उन्हें कर दी। मैं क्या करूँ बहन जी, आप ही मेरे को बताओ, मेरे को आपके तरफ से न्याय की अपेक्षा है। बहुजन समाज पार्टी का
प्रदेश का महासचिव रहा हूँ और इसके साथ विभिन्न पदों पर मैंने काम किया है। तालुका लेवल से विधानसभा अध्यक्ष, भाईचारा कमेटी, लोकसभा कुंभी समाज भाईचारा कमेटी के पद पे प्रभारी रहा हूँ और मैंने पिछले 35 साल से मैं काम कर रहा हूँ और पार्टी मैं साहब के साथ भी काम किया है और मैंने इस पार्टी के लिए पार्टी का संगठन बनाने के लिए मैंने अपने लाखों रुपए खर्च किए हूँ और इसके साथ ही हर साल मैंने बहुजन समाज पार्टी के बढ़ाने के लिए लाख रुपए का फंड मैं हर साल देता आया हूँ और पिछले अभी फिलहाल 17 जुलाई 2024 को मुंबई में जो बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र की कार्यकर्ता की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में डोंगरे के गुंडों ने एक महिला कार्यकर्ता निमा रंगारी इनको धक्का मुक्की किए और उनकी इसलिए और वो कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में की तो माननीय डोंगरे ने हमारे खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट का गुना दाखिल किया हो, जबकि मैं ओबीसी समाज से बिलोंग करता हूँ और इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ तो क्या मैं जातिवादी हो सकता हूँ क्या? अरे जो बहुजन समाज पार्टी बहुजनों के हित के लिए बनाई है, बहुजन समाज पार्टी में विभिन्न जाति के लोग काम करते हैं, अगर वो काम करते हैं तो अपना सवाल जवाब करने के लिए कर सकते हैं और अगर हमने सवाल जवाब किया तो वो लोग हमारे ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाएंगे। तो क्या ओबीसी समाज इस पार्टी में जुड़ सकेगा? सही मायने में हम जातिवादी नहीं है तो महाराष्ट्र का जो अध्यक्ष है सुनील डोंगरे, वो खुद एट्रोसिटी एक्ट लगा के खुद जातिवादी है, जबकि ये पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की पार्टी है, वो बहुजन समाज पार्टी को खराब करना चाहता है। बहुजन समाज पार्टी के हित में बहन जी ने ऐसे जातिवादी लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए, जबकि पार्टी बच जाएगी और पार्टी के हित में काम होगा। मैं राजविलास गजबी है, भंडारा जिला का रहवासी हूँ और पिछले 35 साल से बहुजन समाज पार्टी में कार्यरत हूँ। माननीय कांचीराम जी के साथ में मैंने कई राज्यों में काम किया है और पार्टी के तरफ से मैंने दो बार एक असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट किया है। 1995 में मैंने पहला इलेक्शन, जब मैं केवल 25 साल का था, पहला इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया। उस इलेक्शन में माननीय कांचीराम जी मेरे प्रचार हेतु मेरे क्षेत्र में आए थे। उस समय मुझे वहाँ पर 20,000 वोटिंग मिला था। उसके बाद में सेकंड इलेक्शन असेंबली का माननीय साहब के नेतृत्व में मैंने लड़ा। माननीय साहब कांचीराम जी उस इलेक्शन में भी मेरे प्रचार हेतु मेरे क्षेत्र में आए थे। तब से लेकर आज तक मैं इस पार्टी का एक वफादार सैनिक करके काम कर रहा हूँ। 2024 के जो पिछली बार लोकसभा के इलेक्शन हुए, उस लोकसभा के इलेक्शन में मैंने पार्टी के तरफ से प्रत्याशी के तौर पर मैंने फॉर्म भरा, पार्टी से टिकट मांगी थी 25,000 रुपया देकर आवेदन फॉर्म मैंने भरा था और जिस समय एबी फॉर्म देने का समय आया, ये सुनील डोंगरे ने मुझे पैसे की डिमांड की।
तो मैं उस समय 25 लाख रुपए देने के लिए तैयार था और अपने इलेक्शन के लिए कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए मैं खर्चा करने के लिए तैयार था। लेकिन मेरी बात सुनने के बाद में भी ये सुनील डोंगरे और अन्य लोग, उनके गुंडे, ये ऑफिस को ताला लगाकर भाग गए और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जिसका पार्टी से कोई संबंध नहीं था। वो ना हमारे पार्टी का था, ना कभी उसने पार्टी का काम किया। वो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था, एक पदाधिकारी था। उसको टिकट दी गई, उसने इलेक्शन लड़ा और जिस इलेक्शन में उसको केवल 25,000 वोट मिले। इसके पहले भंडारा में हमारे पार्टी को 1 लाख के ऊपर वोट मिलते थे। तो इस तरह से पार्टी में ये जो पैसे का खेल, गद्दार लोग यहाँ पर दूसरे लोगों को टिकट देकर, पार्टी का एबी फॉर्म देकर किसी को भी लड़ाते हैं और पार्टी की बदनामी, बहन मायावती जी की बदनामी यहाँ पर हो रही है। इसलिए बहन मायावती जी से मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों को, ये गद्दार लोगों को पार्टी ने सबक सिखाना चाहिए। और ये जो कांशीराम जी का मिशन है, बाबा साहब अम्बेडकर का कारवा, हम लोगों को आगे बढ़ाना है, तो बहन मायावती जी के नेतृत्व में, बहन मायावती जी ने ऐसे लोगों को यहाँ से, पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। और जो ईमानदार कार्यकर्ता है, वो ईमानदार कार्यकर्ता इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। धन्यवाद। जय भीम। सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज, सत्य पोलीस टाइम्स।